राजधानी लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 500 मेगावाट के दो बिजली प्लांट के निर्माण के प्रस्ताव समेत कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इस साल बिजली की खपत में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। ऐसे में ऊर्जा की बढ़ती मांग के मद्देनजर एनटीपीसी ने समझौते में आगे बढ़ने की बात की, जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में 800 मेगावाट के ओबरा में दो प्लांट लगाए जाने के प्रस्ताव को मिल गई है। उन्होंने आगे कहा कि अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी मेगा प्लांट होगा, जो यूपी गवर्नमेंट और एनटीपीसी का 50-50 प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि इसकी पहली यूनिट 50 महीने में और दूसरी यूनिट 56 महीने में बनकर तैयार होगी। यह प्रोजेक्ट करीब 18,000 करोड़ का है। इसमें यूपी सरकार और एनटीपीसी का 50-50% की भागीदारी रहेगी, जिसमें यूपी सरकार 30% की इक्विटी भी देगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर के रोड की चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिला कुशीनगर में जिला कारागार निर्माण के लिए चयनित भूमि को कारागार विभाग की हस्तांतरित करने और हाथरस में जिला कारागार की स्थापना के लिए 184 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा चित्रकूट जिले के मानिकपुर तहसील में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं रामपुर जिले में रामपुर शाहबाद बाजपुर की सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। बता दें कि यह सड़क रामपुर शाहबाद स्वार से होते हुए उत्तराखंड के जिम कार्बेट तक जाएगी। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना को भी मंजूरी मिली है। इसमें बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तन करते हुए योजना किया गया है। वहीं केंद्र सहायतित मेडिकल कॉलेज योजना के संबंध में प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज के शीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण के संबंध में मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के डीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। राज्य में जैसा कि आप जानते हैं, बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ रही है। विशेष रूप से आपने गर्मी के सीजन में देखा कि एकदम से बढ़कर के 27,000 मेगावाट के भी पार हो गई थी। ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी, उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे। वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। ओबरा में 800 मेगावाट के दो प्लांट, पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला सुपर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आया है और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, पीएलएस ज्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कास्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है, वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के दो प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का जॉइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी, और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोग का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद
हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। पर रामपुर में शाहबाद रामपुर बाजपुर मार्ग राज्य मार्ग संख्या 144 के चैनेज 0 से 30100 तक और चैनेज 48.754 से 76.246 कुल लंबाई 57.592 किलोमीटर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के वो प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लागत 2,05,36,51,000 रुपये केपीआई का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। यह मार्ग रामपुर की तहसील शाहबाद से प्रारंभ होकर रामपुर स्वार होते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कार्बेट पार्क रामनगर और नैनीताल को जाता है। माँ विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए उसके अंतर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2A, 3, 3, 3A, 4, 5 मेजन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और बलमा निस्तारीकरण के संदर्भ में है तो इसके माध्यम से वहाँ पर माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विकास के दृष्टि से विशेष रूप से जो वहाँ त्रिकोण का दर्शन है माँ विंध्यवासिनी का अष्टभुजी देवी जी का माँ काली खो के दर्शन की जो मान्यता है जो वहाँ तीर्थयात्री आते हैं कोतवाली जाने वाली रोड जो है वो बहुत सक्रिय है तो उसके माध्यम से उसको चौड़ीकरण किया जा सकेगा। चित्रकूट के अंतर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुंडी निरीक्षण गृह और उसके आसपास के स्थानों पर पर्यटन विकास के कार्यों के लिए लैंड बैंक के चिन्हांकित भूमि जिसका कुल रकबा 49.364 हेक्टेयर है उस भूमि खतौनी में ग्राम समाज की बंजर श्रेणी के भीतर दर्ज है। इस रिजर्व में बाघ केगुआ भालू सांभर चिंकीदार हिरण चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि को कारागार विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के संदर्भ में जनपद हाथरस के भीतर भी कारागार निर्माण के लिए 184,94,00,000 रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया जहाँ पर नया कारागार का निर्माण होगा।